अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते सभी को। हम लोग आज सिक्स डे पर हैं और हम लोगों ने चर्चा को शुरू किया था सुख के बारे में। जो चर्चा शुरू किया था कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, उसके संदर्भ में कुछ अभ्यास किए थे हम लोगों ने। स्वभाव और प्रभाव को और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया था। ये जो प्रभाव है, मुख्यतः दो सोर्सेस से हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। इसमें एक तो जो हमारी अनुकूल संवेदनाएं हैं उनसे, या फिर अनुकूल भाव पाकर उससे। इन दोनों ही सोर्सेज में हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहता है, अपने पर ध्यान नहीं आ पाता, क्योंकि हमको सुख के सोर्सेज बाहर ही दिखाई देते हैं। अब एक तीसरे सोर्स की बात कर रहे हैं, स्वभाव भी हमारा एक सुख है। ये सहज स्वीकृत भाव जो हमारे अंदर है वो भी हमारे लिए सुख का एक स्रोत है। तो हम उनको अपने में देख कर, समझ कर, अपने में सुनिश्चित कर सके, तो वह भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। इन तीनों सोर्सेज पर हम लोगों ने आगे और अध्ययन करने का प्रयास किया कि खुद एक साथ थोड़ी देर बैठ करके हम ध्यान दें कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेस के साथ जो इनपुट, एक्सटर्नल सोर्सेज जो है, जो प्रभाव है, उसके साथ जब हम नहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तब हमारी स्थिति क्या है, हम आराम में है या परेशान है, ये सब को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। फिर हम लोगों ने इस पर भी चर्चा किया था कि इस पूरे 3 महीने हम लोग किस विधि से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की विधि हमारी, हम लोगों ने जो तय किया था कि प्रस्ताव विधि होगी। इसमें हम लोग प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, उसमें हम अपने उस प्रस्तावों को सहज स्वीकृति के आधार पर जांच कर देखेंगे, फिर धीरे धीरे जीने में भी, व्यवहार में भी, कार्य में भी वेरीफाई करके देखेंगे। तो उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर संवाद के माध्यम से चर्चा करते हैं, फिर आपसे अपेक्षा होती है कि उसको आप अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचें और दिन भर अपने जीने में, अपने व्यवहार कार्य में, अपने विचार में भी ये सब वेरिफिकेशन को करते रहें, और फिर अगले दिन हम लोग उस पर निष्कर्षों को साझा करें। उसके बाद हम लोगों ने सुख और दुख क्या है उस पर भी कल एक विस्तृत चर्चा किया था कि हमारे लिए जिंदगी में सुख का मतलब हमेशा बदलता रहता है या एक सा बना रहता है। अगर बदलता रहता है, इसका मतलब ये है कि जो निश्चित उसका अर्थ है सुख का, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो एक बार अपने में एक्सप्लोर करके, अपने में समय लगाकर सुख के मतलब को तो अपने लिए ठीक से स्पष्ट कर लेना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे लिए फंडामेंटल इशू है। तत्वगतवा जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं, और हम इसको बिना फिक्स किए, इसको बिना स्थिर किए, इसको बिना डिफाइन किए बहुत सारा एफर्ट बाहर करते रहते हैं। हम उसमें करके कुछ अचीव भी करते हैं, लेकिन जब हम अचीव कर लेते हैं उसके बाद हमारे लिए सुख का मतलब ही बदल जाता है। तो जो हमने अचीव किया उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए सुख और दुख को हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा किया कि सुख मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में होना ही सुख है, संगीत में, व्यवस्था में होना ही सुख है। एक शब्द में कहे तो हारमनी बराबर सुख है, संगीत व्यवस्था में जीना ही सुख है। ऐसे ही दुख को भी डिफाइन किया हम लोगों ने कि हम जिस स्थिति परिस्थिति में जीते हैं, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना हमेशा स्वीकार नहीं होता। इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। अंतर्द्वंद अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। तो अगर एक एक शब्दों में दोनों को डिफाइन करें तो अंतर्द्वंद अव्यवस्था बराबर दुख, संगीत व्यवस्था बराबर सुख। उस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया। टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी, ये हमारे लिए सुख है। अंतर विरोध में जीने के लिए बाध्य होना, ये दुख है। फिर इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब मिला करके इन सभी सुख के स्रोतों को अगर एक साथ देखें तो तीन हमको मुख्य सुख के स्रोत दिखाई देते हैं। एक का सुख का स्रोत दिखाई देता है संवेदना से, सुविधा से, जो शरीर के माध्यम से हमको संवेदनाएं मिल रही हैं उससे। तो संवेदनाओं को देखने जाए तो जैसा हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
संवेदनाएं हैं, इससे हमको इसके माध्यम से शरीर के माध्यम से जो भी ये सब स्पर्श रूप रस गंध की सूचनाएं मिलती हैं वो हमारे अनुकूल आस्वादन से मैच करती हैं तो हम सुखी महसूस करते हैं, नहीं मैच करती है आस्वादन से तो महसूस करते हैं। लेकिन जो मैच भी करती है अपने आस्वादन से जिससे हम सुखी भी महसूस कर रहे हैं, उस सुख की स्थिति क्या होती है? तो वो सुख थोड़े समय के लिए हमको सुख जैसा लगता है, फिर थोड़े समय बाद ही उससे सुख लगता है कि अब सुख नहीं है, और थोड़े समय बाद भी वो दुख में बदल जाता है। उसी को दूसरे रूप में कहें तो हम कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो भी संवेदनाएं लेकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रक्रिया में वो हमको शुरुआत में तो रुचिकर और आवश्यक लगता है, फिर रुचिकर तो लगता रहता है, टेस्ट मिलता रहता है, लेकिन अनावश्यक लगने लगता है। थोड़े समय बाद वो अरुचिकर भी लगने लगता है, अनावश्यक तो पहले ही लग रहा था, और थोड़े समय और उस पर निर्भर होने पर वो असहनीय हो जाता है। तो अगर देखें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध संवेदनाओं से जो मिलने वाला सुख है उसमें इस तरह की कुछ स्थिति बनती है, और इसमें देखने जाए तो इसमें जो निर्भरता है वो शरीर पर है, दूसरे पर है, और जो इससे सुख मिल भी रहा है वो सामयिक है, क्षणिक। इसी तरह से एक दूसरा सोर्स है सही भाव। सही भाव को भी देखने जाए तो दो सोर्सेस से हम सही भाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। एक तो दूसरों से सही भाव हमको मिल जाए और दूसरा हम खुद ही स्वयं में सही भाव सुनिश्चित कर सकें। जो दूसरों से हमको सही भाव मिलता रहे, सम्मान का, विश्वास का, स्नेह का, इसमें भी देखने जाते हैं तो निर्भरता दूसरे पर है, और इसमें भी कोई पूर्णता का बिंदु नहीं, निरंतरता संभव नहीं, क्योंकि तो दूसरे की स्थिति ठीक होगी तो वो भाव दे पाएगा, नहीं ठीक होगी तो भाव दे पाएगा। तो इसलिए इसमें भी सुख की निरंतरता संभव नहीं हो पाती और निर्भरता दूसरे पर ही बनी रहती। इसलिए इसको कहा कि इससे जो भी हमको सुख जैसा लग रहा है वास्तव में वो तो एक सामायिक एक्साइटमेंट है, आवेश है, इससे कोई हम हार्मनी में नहीं जा पा रहे, एक एक्साइटमेंट की तरफ जा पा रहे हैं, सामायिक आवेश के स्रोत के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ये जो भाव से जुड़ा हुआ पहला सोर्स है कि ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, इस तरह के जो सहज स्वीकृत भाव हमें हैं, हम उनको समझकर अपने में सुनिश्चित कर लें तो इसमें निश्चित पूर्णता बिंदु है, इसकी निरंतरता संभव है, इसमें निश्चितता है, और इससे हम स्वयं में व्यवस्थित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी निर्भरता अब दूसरों पर नहीं है, अपने पर है, अपनी समझ पर है। इसलिए इससे मिलने वाले सुख की निरंतरता संभव हो सकती है। ठीक उसी तरह से एक और स्रोत सुख के रूप में हम देख पाते हैं सही समझ का। तो हमारे जो जीने का संपूर्ण फैलाव है मानव से लेकर प्रकृति अस्तित्व तक, इन सभी स्तर पर व्यवस्था को हम समझ सके उससे भी हम सुखी होते हैं। इसमें भी एक निश्चित पूर्णता बिंदु है, इसमें भी एक निरंतरता निश्चितता संभव है, और समझकर हम जब अपने में उसको सुनिश्चित करते हैं तो हमारा सेल्फ भी हार्मनी में आता है, स्वयं में व्यवस्था, इससे भी मिलने वाले सुख की निरंतरता संभव। तो अभी पूरी बात को अगर टोटालिटी में देखने जाए तो ये दो भाग में दिखाई देता है, एक जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, दूसरा जो ऊपर येलो कलर में दिख रहा है। ये जो व्हाइट कलर वाला भाग है इसको अगर देखने जाते हैं तो इसमें एक क्षणिक आवेश जैसी स्थिति बनती है, इसमें सुख की निरंतरता संभव नहीं हो पाती, और ये जो येलो कलर में दिख रहा है इसमें निश्चितता भी संभव है, पूर्णता भी संभव है, निरंतरता भी संभव है। अभी प्रश्न ये है कि ये तीनों को हम अपने भीतर सुख के स्रोत के रूप में देख पाते हैं क्या? तीनों को ही सुख के स्रोत के रूप में देख पाते हैं क्या? और हम जब अपने पर ध्यान देते हैं तो इन तीनों में से, या दूसरी भाषा में कहो तो इसको जो दो भाग में बांटा है येलो और व्हाइट कलर में, इसमें देखने जाते हैं तो हम कौन से वाले पर अधिक निर्भर करते हैं? ये व्हाइट वाले पर हमारी निर्भरता अधिक है आज के दिन, या येलो वाले पर निर्भरता अधिक है?
इसको हम अपने में ऑब्जर्व करके देख सकते। इतनी बात हम लोगों ने कल तक चर्चा किया था और साथ में एक अभ्यास भी आप लोगों के साथ साझा किया गया था कि आप दिन भर जो भी आप दिन भर जिन भी कामों में आप इन्वॉल्व रहते हैं उसमें थोड़ा ऑब्जर्व करके देखें कि आप किन स्रोतों से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। सही समझ वाले स्रोत से, सही भाव वाले स्रोत से, या फिर बाहर के किसी भाव और संवेदना वाले स्रोत से। बाहर के सुख के जो भी स्रोत है उसमें क्षणिक है वो, या उसमें निरंतरता संभव है, उसमें जो निर्भरता है वो बाहर के तरफ है या आपके स्वयं के तरफ है, उसमें कोई निश्चित तृप्ति बिंदु है या अनिश्चितता है, इन सब चीजों का भी आप निरीक्षण करें, इसकी एक अपेक्षा थी। और जो कुछ भी जांच में आपके निष्कर्ष निकल के आता है उसका आपके सुखी और समृद्ध जीवन जीने के संदर्भ में क्या आप उपयोग कैसे देख पाते हैं उसको, तो उसमें कैसे सार्थक हो सकता है, इसको भी ऑब्जर्व करें और उसको अपनी जो भी पुस्तिका आपने बना रखी है उसमें लिखें। तो इस अपेक्षा से ये एक्सरसाइज आप सबसे साझा किया गया था। तो आज हम लोग आप लोगों के जो भी ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इस एक्सरसाइज से, या फिर जो भी आपके जो स्लाइड्स पर डिस्कशन हुआ है उस पर जो भी आपके प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो मैंने इसको पूरे दिन में थोड़ा ब्रेक करके देखा कि दिन में जब भी मुझे समय मिलता है तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देने के, अपने विचारों पे ध्यान देने का प्रयास करती हूँ। 10 मिनट तक, 5 मिनट तक मैक्सिमम वो प्रक्रिया चलती है, फिर वो ब्रेक हो जाती है, फिर जैसे याद आता है कि मैं तो ये सोच रही, मुझे खुद पे ध्यान देना था, अपने विचारों पे, फिर मैं उस प्रक्रिया को स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे ऐसे 10-5 मिनट तक वो चलता है, तो दिन में कई बार ऐसा प्रयास मैं करती हूँ। तो लेकिन भैया इसमें एक ये अच्छी चीज हुई है कि जैसे पहले जब मेरे से गलती हो जाती थी, जैसे मैं किसी पे गुस्सा हो गई या कोई कोई लड़ाई या इस तरह का हो गया तब ध्यान आता था, अभी क्या है कि ये बार बार ध्यान देने से मुझे ये फायदा हो रहा है कि जैसे ही कोई भाव मेरे बिगड़ते हैं या मुझे किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, इवन बच्चों के लिए भी अगर गुस्सा आ रहा है, तो मुझे उसी समय लग जाता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। तो मतलब क्या ये इसको बार बार दिन भर करना ठीक, मतलब मैं कर पा रही हूँ, या दिन भर करना सही है, या मैं सही तरीके से जा रही हूँ, ये मुझे पूछना था भाई, क्योंकि वो 10 मिनट से ज्यादा चलता नहीं है, ब्रेक हो जाता है बार बार। तो लेकिन आप ये भी देख पा रही होंगी कि जब आपने इस अभ्यास को शुरू किया होगा तो 2 मिनट भी करना आपको भारी पड़ रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुरंत कुछ ना कुछ और चलने लगता था दिमाग में। हाँ, लेकिन अभी आप थोड़ा और लंबे समय तक अपने पर ध्यान दे पा रहे हैं। तो जी जैसे जैसे इस अभ्यास को हम और करेंगे धीरे धीरे अब हमारा अपने पर ध्यान देने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। और हम लोग की अपेक्षा तो ये है कि हम सब लोग 24 घंटे अपने कल्पनाशीलता के प्रति होश में आ पाए कि क्या चल रहा है हमारे इमेजिनेशन। तो ये ठीक ही दिशा में जा रहा है दीदी, इसको धीरे धीरे बढ़ा के अपने को तो 24 घंटे तक लेके जाना है। एक बात तो ये, दूसरी जी बात यह है कि अभी देखेंगे तो बहुत सारा हम शुरुआत में जब अपने पर ध्यान दे रहे होते हैं तो बहुत सारा हमको ऐसा लगता है कि बाकी सब काम को रोक करके अपने विचार पर ध्यान देना है। तो जी जब विचार पर ध्यान दे रहे होते हैं तो बहुत सारा बाहर का जो हमारा काम है और बाहर की एक्टिविटी है लगता है रुक सी गई है। तो धीरे धीरे अपने को दोनों काम एक साथ, जो तो बाहर हम काम कर रहे हैं जो भी अन्य चीजों में इन्वॉल्व है उसको करते हुए हमें क्या विचार चल रहे हैं, दोनों पर ध्यान बनाए रखने का अभ्यास करना है। शुरू में थोड़ा लगेगा कि कठिन हो रहा है, लेकिन आप दिन भर जो करते समय कर रही हैं उसमें तो दोनों का प्रयास किया जाए, लेकिन दिन में कभी आधा घंटा एक घंटा बैठ के जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से अपने आप को बाहरी एक्टिविटी से रोक कर पूरे तरह से जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको देखकर और डीप में जाने का अभ्यास करना उपयोगी है। लेकिन दिन भर जब कर रहे हैं बाकी एक्टिविटी पर ध्यान बनाए रखते हुए अपने भाव विचार पर ध्यान बनाने का अभ्यास वो ज्यादा उपयोगी जी भैया, जी भैया, धन्यवाद है। ठीक है, भैया। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते भैया।
मैं तो भैया मतलब लखनऊ में भी आपसे मुलाकात हुई थी और 8 दिन फेस टू फेस वर्कशॉप में भी मैं आपके साथ सानिध्य में रहा हूँ। तो उसी समय से अपने ऊपर ध्यान देने की प्रक्रिया सतत जारी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सुबह के सत्र में भी आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। तो इधर पिछले 3-4 दिनों में भैया जो मैंने अभ्यास किया और लगातार इस 10वें सत्र में मैं डेली अपने चीजों को दिन भर जो घटनाएं हो रही हैं उनको लिखने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो पिछले 2-3 दिनों में भैया जब मैंने अपने विचार विचार से भाव पे जाने की कोशिश की तो पहले तो स्टार्टिंगली शुरुआत में 1-2 दिन भाव कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब भाव पे और ध्यान जा पा रहा है तो जैसे कुछ देरों के लिए एकदम ब्लैंक सा मतलब एहसास हो रहा है। तो उस ब्लैंक में फिर एकाएक जैसे कि 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट बाद फिर जैसे लगता है कि हम क्या सोच रहे थे या क्या कर रहे थे कुछ पता भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सो गए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है भैया कि सो गए थे। तो ये मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा है। और मैं कॉलेज भी पहुंच करके जब भी मेरा लेक्चर ऑफ रहता है तो मैं कोशिश करता हूं कि शांति से अपने आप में बैठूं और उन चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व करूं, विचारों को और भावों को, और इमीडिएटली जब मैं उससे निकलता हूं तो मैं लिखने की भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो ये ब्लैंक हो रहा है मतलब मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है कि क्या मैं सो जा रहा हूँ या ब्लैंक मतलब क्या हो रहा है भैया, ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था। ठीक है भैया, हम जिस अभ्यास में को कर रहे हैं उसमें दोनों ही संभावना है। कई बार थकान होती है तो वो भी जाते हैं। दूसरी संभावना भी ये बनी रहती है कि हम में जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, भाव चल रहा है, उसमें कुछ समय तो उस पर ध्यान बना रहता है, कुछ समय उससे ध्यान हमारा हट जाता है, अच्छा कहीं और चला जाता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। और एक जी अब उसी बात को दूसरे ढंग से कहें तो हमारे अंदर जो विचारों की बहुत सारी चल रही होती है श्रृंखला है, उसमें कुछ विचार होते हैं जो हमको काफी मतलब को काफी एक तरह से या तो बहुत बेचैन कर रहे होते हैं या बहुत एक्साइटेड कर रहे होते हैं। ऐसे जी विचारों को रिलेटिवली देख पाना ज्यादा आसान है, शुरू में वही दिखते हैं, लेकिन कई बार बहुत जो हार्मोनियस विचार हैं, बहुत ना बहुत पीसफुल विचार हैं, कई बार उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं रहता तो हम उसको बहुत ठीक से देख भी नहीं पाते। अच्छा तो अच्छा वो भी एक संभावना है कि अब बहुत दिनों से अभ्यास करते करते आपके जो भी एक्साइटमेंट और ये डिसहार्मनी वाले विचार हैं उसके साथ भी अब दिख रहे होंगे, लेकिन अभी वो सूक्ष्म है तो बहुत अभी उसका अभ्यास नहीं हुआ है। तो ये तीनों संभावनाएं हैं, तो अपने काम को जारी रखा जाए, अच्छी गति है, धीरे धीरे और अच्छी जगह हम लोग पहुंच पाएंगे, ऐसी संभावना है। जी जरूर जरूर भैया जरूर। अब इस बात पे पूरा ध्यान रहता है कि हर एक्ट के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ और बच्चों के साथ मैं विशेष रूप से इसको पिछले 2 सेमेस्टर से लगातार मैं UHV ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है लेकिन अभी फिलहाल मैं UHV ही पढ़ा रहा हूँ और पूरे पूरे करीब 12 सेक्शन में UHV का कंटेंट बच्चों के साथ लेना पड़ रहा है। तो उससे भी मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ कि काफी गति बन पा रही है भैया। ये मेरी थोड़ी सी शेयरिंग थी भैया। नमस्ते भैया। जी ठीक है भैया, तो बच्चों के साथ शेयर करने से भी ये सहयोग तो मिलता ही है कि हमारा उतने समय तो कम से कम इस विषय वस्तु पे ध्यान बना ही रहता है। फिर तो उसके लिए हम जी बहुत सारी तैयारी करते हैं तो उससे भी हमारा अपने पर ध्यान जाता ही है। बढ़िया हाँ जी, नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते। ठीक है, तो हमारे कुछ और साथी लोगों ने अगर इस अभ्यास को किया है तो वो अपना हैंड रेज करके उस पर शेयरिंग कर सकते हैं। कल ही अभ्यास आप लोगों के साथ शेयर हुआ था, कुछ और लोगों के इस पर अपनी शेयरिंग है तो सुन सकते हैं। तो शेयरिंग में मेरे साथ जैसे अभी भैया कह रहे थे कि ब्लैंक सा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति तो हम लोगों की भी बनी। पर जब हम व्यवस्था में अपने आप में हम व्यवस्था बनाए रखने के लिए गतिशील हुए, तो उस स्थिति में आके फिर हार्मोनियस उस फीलिंग्स को हम वो फीलिंग्स को फील कर पाए। हेलो जी, जी ठीक आ रही सर, है। हाँ हाँ तो आपने ये जब कहा कि हेलो सर आवाज आ आपने रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है।
मैं थोड़ी आपकी बात को रिपीट कर जी दे रहा हूँ, बीच बीच में वो थोड़ा कट रही थी। तो आपने ये हाँ कहा जी कि जो भैया ने अभी शेयरिंग की थी कि कई बार बीच में गैप आ रहा है, ऐसा आप लोगों ने भी अपनी यात्रा में कुछ समय महसूस किया, फिर धीरे धीरे जो जी हारमोनियस विचार है, भाव है, वो भी दिखने लग गए, तो उस तरह के गैप से आप बाहर निकल पाए, इस अर्थ में आप शेयरिंग कर रहे हाँ थे। जी, जी पर वो अवस्था हमारी जब भी बन पाई, जब हम लोग अभी जो इस बैच में जुड़े हैं, जो मेरा ये फोर्थ बैच है, और ये अभ्यास हम लोग का काफी लंबा रहा, क्योंकि इसमें हमें टाइम लगा सर, बहुत टाइम हमें आने के लिए। तो इस 2 साल में चौथे बैच में थोड़ा सा अब ऐसे लग रहा है कि अब मेरी स्थिति जो प्रगतिशील में है, अब अवस्था बनी हुई है हारमोनियस अवस्था, क्योंकि मेरे बिहेवियर में और संबंधों को लेकर और फिजिकल फैसिलिटीज और जो कार्य नेचर के लिए, उसके लिए भी बहुत प्रभावित रहता है, भाव सही बना रहता है। कोई भी कार्य करने से पहले मेरे को वो भाव को देखना और उसका अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है सर। बस आज मेरी शेयरिंग थी, धन्यवाद सर। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हम लोग हाँ नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। हमारा एक ये था शेयरिंग कि हम 9th बैच से ही जुड़े हुए हैं इसमें मॉर्निंग मीटिंग में। बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हुए थे, कुछ प्रॉब्लम थी घर की। और हमारा ये भैया है कि जैसे ये गलती तो नहीं होती, कोई गलती होने वाली होती है पता लग जाता है, इतना सजग तो हैं हम, लेकिन जो बाहरी कार्य हैं करते हुए फिर वो अवस्था नहीं बनी रहती। एक लाभ ये भी हुआ है कि जब लेक्चर लेते रहते हैं, प्रस्ताव के रूप में रखते हैं, हम 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं यूएचबी, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों के उठते हैं उसको भी सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है जब अपने भाव में रहते हैं। तो ये तो लाभ हुआ है, लेकिन सारे कार्यों को दिन भर के करते हुए हम मतलब अपनी विचारशीलता को नहीं देख पाते। जब हम बैठे हैं, आराम से हैं, अपने भाव में हैं, तब तो देख पाते हैं, लेकिन और जो बाकी दिन भर के कार्य हैं करते हुए शायद नहीं देख पाते। हाँ ये होता है कि अगर कहीं कार्य करते हुए गड़बड़ी का आभास होता है तो ये मतलब लगता है कि कहीं विरोध का भाव आ रहा है, तो पहले ही हमें पता लग जाता है, इतनी सजगता बन गई है। यही जी, मैं शेयर करना चाहता था। ये भी एक अच्छी उपलब्धि है, लेकिन अब धीरे धीरे और उसको हमने बढ़ाने को अगर महत्वपूर्ण स्वीकार लेंगे तो धीरे धीरे उसके क्षण बढ़ते जाएंगे और फिर हम लोग जी धीरे धीरे और लंबे ड्यूरेशन में अपनी सजगता को मेंटेन कर पाए। ठीक। एक तो मैं ये बात रखना चाह रहा था कि हमारे जो जो भी साथी हैं उनका जो वो शेयर करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे हमको अपने भी कई बार हम जो चीज़ मिस कर देते हैं वो एकदम से ध्यान में आ जाती है कि हाँ हमारे विचार भी ऐसे हुए थे बीच में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो अपनी शेयरिंग रखते हैं वो बहुत सभी के लिए लाभदायक होती है। दूसरा कल के दिन की मैं अपनी शेयरिंग रखूँगा। उसमें कल क्योंकि रविवार का दिन था तो ज़्यादा आपाधापी वाला नहीं था, तो बहुत सारा समय अपने लिए भी था और अपने विचारों के लिए भी था, परिवार के लिए भी था। तो उसमें पूरे दिन में सजगता तो बनी रही और दो घटनाओं का मेरा बहुत महत्वपूर्ण ध्यान गया जिसको कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। सुबह की एक घटना थी जिसमें कि मैं और मेरी पत्नी सुबह टहलने गए, तो टहलते समय हम लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी और वो बातचीत में अक्सर एक पॉइंट उठता है जो कि वो पॉइंट ऐसा होता है जो मुझे असहज कर जाता है, कुछ इस तरह का पॉइंट होता है और वो पत्नी की तरफ से उठता है। तो कल मेरा ध्यान उस पर गया कि वो असहजता किस वजह से आती है, और कल जब ध्यान गया तो वो उस पॉइंट पे फिर असहजता नहीं है और वो बात असहज होते हुए फिर मैंने उसको सुना और सुनने के बाद फिर उस पर अपना रेस्पॉन्स दिया। दूसरी घटना शाम की हुई, वो मम्मी के साथ हुई। तो मम्मी के साथ में हम लोग सुबह मतलब अपने जो सोने का कमरा है सोने के कमरे में थे, वहाँ पे कूलर चल रहा था, तो कूलर चलते हुए मम्मी जी नीचे सोती हैं, तो मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी आज यहीं सो जाओ, कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
तो उस पे मम्मी जी ने कुछ दूसरे तरीके से बात रखी, तो वहां पे भी मेरा समझ में गया कि इन दो से मेरा एक निष्कर्ष ये निकला कि हम शब्द सामने वाले का ग्रहण करते हैं और उसके बाद उस शब्द को अर्थ हम खुद देते हैं और उसी से हमारे भाव बनते हैं, ऐसा मेरा ध्यान गया। क्योंकि सवेरे जो था उसमें भी मैं एक अर्थ लगा रहा था और इसमें शाम में जो मैंने कहा उसमें मम्मी जी ने एक अर्थ लगाया, तो अर्थ उन्होंने अर्थ हमने दोनों ने अपने अपने स्तर पे लगाया जैसा हमने समझा सुना। सामने वाले का जो 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 वो शब्द कह रहा है उसका वही अर्थ था ऐसा नहीं होगा, उससे बहुत अलग अर्थ लगता है। तो अर्थ की घटना तो अपने अंदर घटती है, शब्द बाहर से मिलते हैं, वो घटना अपने अंदर घट रही है उससे हमारे भाव जनित हो रहे हैं। वो अर्थ अगर हमें दिख जाए कि हम क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं और सामने वाले का उससे अलग भी हो सकता है, तो हम अपने बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा मुझे कल समझ में आया है। मैं क्या ठीक समझ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ। इतना तो ठीक है भैया, बस इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि जब मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ तो एक भाव के साथ ही सुन रहा हूँ, तो एक इनिशियली मेरे में एक भाव भी है, वो भाव मेरे समझ के आधार पर भी हो सकता है, मान्यताओं पर भी से भी या सूचनाओं से भी हो सकता है। तो जी भैया, एक भाव के साथ सुन रहा हूँ, फिर आप कुछ कह रहे हैं ना? अब आपने जो कहा शब्द सुना मैंने, उससे जो भी विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला, उससे मेरे भाव में कुछ परिवर्तन, ये जो भाव में परिवर्तन हो रहा है ये प्रभाव से, जब मैं सुख को ढूंढ रहा हूँ तो मेरे भाव में बदलाव होते हैं बाहर से आए हुए सूचनाओं के आधार। तो एक तो मैं जी था, दूसरा ये है कि मेरे में जो सही भाव मेरे को समझ में आए हैं, मेरे को जो सहज स्वीकृत भाव है, जो मेरे स्वभाव है, उस पर मेरा ध्यान बना हुआ है, और मेरा भाव तो उसी से तय, जी मेरा भाव जो सही समझ सही सहज स्वीकृत भाव को मैंने समझा है उसके आधार पर तय कर रखा है। दूसरों जी से आने वाले शब्द या घटनाएं जो बाहर से आ रही हैं वो मेरे भाव को अब प्रभावित नहीं कर रही है। हाँ ये ठीक है कि वो सब सुन के मैं दूसरे आदमी के भाव का अनुमान लगा रहा हूँ, किस भाव से ये सारी बातें कही जा रही है, जी उसके साथ अपना भाव ठीक रखते हुए अब क्या बातें कही जाए जिससे कि वो भी आराम में आ जाए और हम दोनों मतलब मिलके व्यवस्थित गति आगे कर सके, ये सब जी विचार मेरा चलता रहता है, लेकिन वाह भाव मेरा स्वभाव से ही स्थिर बन सकता है ना? लेकिन धीरे जी, धीरे इस तरफ बढ़ेंगे भैया, अच्छी गति है आपकी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो मेरा सुख क्या है, एक तो फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो जैसे ज्यादातर बाहरी सूचनाओं से या किसी ने बोला बाहरी प्रभाव से, तो वो उस पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि वो हाँ वहां से सूचना मिली है तो मैं खुश हो जाती हूँ, पर फिर थोड़ी देर बाद मैं उसको रियलाइज करती हूँ कि हाँ ये सही नहीं है, पर ये तो निरंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ज्यादातर मैं दिन में कई बार ये कोशिश करती हूँ, ये सोचती भी हूँ विचार भी करती हूँ, पर ऐसा अभी हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जी तो आप एक बार अपने दूसरा प्रश्न, जी इस पहले प्रश्न को एक बार फिर से फ्रेम करेंगी, मैं थोड़ा दोनों बात को कनेक्ट नहीं कर पाया। जी, जैसे मेरे साथ क्या है, सुख सुख मेरा हमेशा फ्लक्चुएट होता है, थोड़ी देर मुझे लगता है कि 1 घंटे की हाँ मैं सुखी हूँ, बहुत सहज हूँ, और थोड़ी देर बाद जैसे ही बाहर की कोई सूचना आती है कुछ वजह से प्रभाव, उस पे मैं ज्यादा खुश हो जाती हूँ बजाय जो अंदर के सुख के बजाय, तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं इसमें सुख ज्यादा है, किसी के जैसे संबंधों को लेके हो गया, किसी की कोई सूचना हुई या बच्चे ने बोला कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया, मेरी ऐसी जॉब लग गई, तो फिर वो निरंतर वाला सुख है कि क्या है वो, जैसे अपने देखेंगे दीदी, परिवार। जो बाहर से जो सूचनाएं आ रही हैं जी जी और उससे हमारे अंदर जो हो रहा है वो तो अपने आप में एक तरह का एक्साइटमेंट ही है ना, जी जी जो थोड़ी देर बना रहता है उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, जी लेकिन हमने जो भाव को अपने भीतर ठीक से समझ लिया है और सुनिश्चित कर रहे हैं उसके आधार पे जो सुख हो रहा है जी उसमें निश्चितता स्थिरता रहती है, तो जी बाहर से तो जो सूचना आ रही है उसके आधार पर जो आपने परिवर्तन हो रहा है वो अपने में एक तरह का एक्साइटमेंट है जी जो थोड़े समय बाद खत्म ही हो जाता है।
हाँ कहीं ना कहीं हमने अपने भीतर अभी भी एक्साइटमेंट को हार्मनी से ज्यादा बेहतर स्वीकार रखा है, हमारी मान्यता में ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, इसलिए जब भी हार्मनी और एक्साइटमेंट में चुनाव करना होता है तो हम एक्साइटमेंट की तरफ झुक जाते हैं। तो इसलिए दोनों में क्या सुख है हमारे लिए, और जांच परख धीरे धीरे अपने भीतर हम लोग जारी रखेंगे। एक पॉइंट के बाद हम एक्साइटमेंट से अधिक वरीयता हार्मनी को दे पाएंगे। जी 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 थैंक यू भैया जी सवाल का कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं अपने आप चुप से बैठ के सांस से बैठ के, तो उस वक्त जब हम भाप को देखते हैं तो अंदर में तो हमारा थॉट चलता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, ऐसे थॉट्स ही आते रहते हैं। तो जो थॉट्स आते हैं वो तो सम रहते हैं, परंतु जब हम किसी से बातें करते हैं या किसी का एक्टिविटी देखते हैं और वो अगर अच्छे वाला नहीं होता है तो तब जाके हमारा भाव में चेंजेस आने लगता है, सोच में कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो कि कोई आप उसको बार बार बोल रहे हैं कि वो क्लास में लेट आ रहा है या काम करने में लेट आ रहा है, तो हम उसको समझाते हैं कि बेटा आप अगर ऐसे काम करोगे तो आपका काम कभी खत्म नहीं होगा, और आपका जब डिग्री लेना होगा तब डिग्री नहीं लेंगे, आपको फिर रुकना पड़ेगा और आपको और टाइम देना पड़ेगा। तो वो हाँ बोलता है और फिर भी सेम चीज करने लगता है, तो तब हम देखने लगते हैं कि रिपीटेटिवली वो बंदा जब काम करता है तो हम समझ सकते हैं कि वो उसका कॉम्पिटेंसी का लेकिंग है, मगर हमारा भाग तब भी थोड़ा बहुत गड़बड़ाता है पहला। और दूसरा दूसरा कब गड़बड़ाता है कि जब हम अपने से बात करते हैं कि हम देख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, हम बोलते हैं, फिर हम तब भी सोचते हैं कि नहीं ये तो उसका कॉम्पिटेंसी है, फिर भी जब भाव बिगड़ जाता है, हम देख सक रहे हैं कि नहीं मेरा ये भाव बिगड़ने वाला है, तब हम शांत हो जाते हैं कि हम जानते हैं ये करने से रिलेशनशिप खराब होगा या कोई सामने वाला बुरा सोचेगा, सामने वाला जितना भी बुरा करे जितना भी करे तो हम अपने आप को समझ सकते हैं कि उसका कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम है, बस यही समझ के हम चुप रह जाते हैं, ये सही चीज है गलत चीज है क्या है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मैं अगर जोर से आवाज से बोलूंगा तो मेरा ही जाएगा, मेरा भाव बिगड़ने लगेगा, तो मैं शांत रह जाता हूँ उस केस में। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं ऑब्जर्व करूँ, देखूँ क्या मैं एक्चुअली मेरे में अच्छी बात प्रॉब्लम है यही आ कि रहा है कि मैं देख नहीं सक रहा हूँ कि हम आप बोल रहे हो कि इमेजिनेशन को देखें, आप बोल रहे हो कि इसको देखो, मगर मैं समझ नहीं सक रहा हूँ देखूं किसको एक्चुअली। जब शांत से बैठते हैं तो थॉट आते रहते हैं, तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का थॉट समाधि किया है, तो हम तो करीबन आधे घंटे चुप से बैठते हैं, ट्राई करते हैं हर दिन आधे घंटे चुप से बैठते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, आने दो वो कुछ नहीं होता है, मगर मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि जब किसी का बेटी जब पढ़ती है नहीं पढ़ती है मोबाइल देखती रहती है तो उसको बोलता हूँ कि बेटा कितना टाइम और देखोगी, फिर भी नहीं समझती है, जब थोड़ा सा चिल्लाने लगते हैं हम समझ रहे हैं कि नहीं चिल्लाएंगे तो समझेगी नहीं, तो चिल्लाने लगते हैं तो मोबाइल रखती है और जाके गुस्सा करती है और किताब देखिए अरे जबरदस्ती पढ़ती है, हाँ तो नहीं समझ सक रहे भैया, मगर ठीक है दिखता है भैया। कि हाँ दिखता है कि मेरा भाव वो चेंजेस में आ रहा है बोल के, देखें क्या प्रैक्टिस किया करें क्या वो बताइए भैया। तो ठीक है कि हम अपने भाव अपने विचार को देख पा रहे हैं और जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका साथ साथ विश्लेषण भी कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग इस अभ्यास में आगे बढ़ेंगे तो विचार के साथ साथ अपने भाव को भी देखने का प्रयास कर पाएंगे कि जो विचार चल रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है, किस भाव पर आधारित ये विचार चल, और ये भी देख पाएंगे कि बाहर जो घटना घट रही है वो हमारे जो सही हमने मान रखा है उसके अनुकूल अगर नहीं घट रही है या प्रतिकूल घट रही है, जो भी हो रहा है, तो बाहर एक घटना घट रही है उसके आधार पर मेरे भाव में बदलाव हो रहा है, ये दूसरी घटना घट रही है, तो मैं जो दुखी हो रहा हूँ बेचैन हो रहा हूँ अपने में भाव में हो रहे बदलाव के कारण हो रहा हूँ, तो अगर ये ध्यान में आ जाएगा तो जो सही समझ रखा है भाव को हमने, जो हमारा स्वभाव है, हम उसको अपने में बनाए रखते हुए अपने सुख को तो सुनिश्चित कर पाएंगे। अब रह गई जो बाहर बच्चे ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
हम उसके लिए दोनों ढंग से प्रयास कर सकते हैं, अपने भाव विचार को ठीक बनाए रखे हुए वो ठीक व्यवस्था में आ जाए, उसके लिए क्या कदम उठाया जाए उस पर भी विचार कर सकते हैं, अपना भाव बिगाड़ करके भी उस पर विचार कर सकते हैं कि कैसे उसको किया जाए। दोनों को जब देखने जाते हैं तो अपने भाव को जब ठीक करके उस पर विचार करते हैं तो हम सुखी रहते हुए दूसरे को व्यवस्थित कैसे करने में सहयोगी हो जाए वो हमारे विचारों में आता है। और अगर हमारा भाव ही बिगड़ जाता है तो फिर हम खुद में भी बेचैन रहते हैं और बेचैन रहते हुए हम दूसरे को व्यवस्थित करने का विचार चलाते हैं। ये दोनों विधियां हैं। तो धीरे धीरे ये जो पहली विधि है वो हमारे ध्यान में आ सके और विचार से हम भाव को देख सके और जो सहज स्वीकृत भाव है उसमें बने रहते हुए दूसरे को व्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको सोचना शुरू करें तो धीरे धीरे और व्यवस्थित गति हम लोगों की हो सकती है। जी भैया, एक बात मैं आपके संदर्भ में कहना चाह रहा था। इतनी चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया था तो थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो अगर देखें तो अभी जो ये जो दो सोर्सेज हम अपना रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारी शेयरिंग आई है अभी, तो एक सोर्स तो यह है कि अनुकूल संवेदना के आस्वादन से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर द्वारा ये अनुकूल संवेदना हमको प्राप्त हो रही है। तो जो शरीर द्वारा प्राप्त अनुकूल संवेदना के आस्वादन से जो हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उसमें देखें तो पहले वो टेस्टी और नेसेसरी लगता है, रुचिकर और आवश्यक, फिर रुचिकर और अनावश्यक, फिर अरुचिकर और अनावश्यक, और धीरे धीरे असहनीय जगह पे पहुंच जाता है। इसको किसी भी संवेदना के साथ मिलने वाले सुख के साथ अगर आप इस प्रक्रिया को अपने भीतर ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा देख आप कुछ खा रहे हैं शरीर में वो टेस्टी भी लगता है आवश्यक भी लगता है, फिर धीरे धीरे लगता है टेस्ट तो मिल रहा है लेकिन अनावश्यक है। तो अब आपको ये तो ध्यान में आ जाता है कि अब शरीर के लिए वो ठीक नहीं है लेकिन टेस्ट मिलता रहता है इसलिए हम उसको और खाते हैं। तो आप देखेंगे तो ये वो स्टेज है जहाँ हम अब शरीर के लिए नहीं खा रहे, उसके टेस्ट से मिलने वाले सुख के लिए खा रहे। थोड़े समय में वो शरीर के लिए अनावश्यक तो पहले ही हो गया था, अब उससे जो टेस्ट मिल रहा था जिससे हम सुखी हो रहे थे वो भी अरुचिकर हो जाता है, और उसके बाद भी अगर खाते हैं तो असहनीय हो जाता है। तो इसलिए इसको देखने जाते हैं तो ये जो सुख है सोर्स है वो हमको क्षणिक दिखता है। ठीक उसी तरह से दूसरे से भाव पाकर जो सुखी होने का प्रयास है वो सही भाव देता रहता है तो हमको एक तरह का सुख जैसा लगता है, और अगर उसका भाव बिगड़ गया तो हमें जो है डिसहार्मनी होने लगती है। इन दोनों ही सोर्सेज में निर्भरता हमारा बाहर है दूसरे पर, तो अनुकूल संवेदना मिलती रहे, दूसरा हमको सही भाव देता रहे, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त सुविधाएं हो, हम लोगों का ध्यान पा सके, इसके लिए बहुत सारा सुविधा संग्रह करने का कार्यक्रम का एक दबाव हमारे ऊपर पड़ता है। और हम जब उसको करने जाते हैं तो खुद में भी बेचैन रहते हैं। अगर असीमित सुविधा संग्रह अगर जुटाना है 10-20 लोगों से अधिक जुटाना है तो एक उसका भी दबाव आता है और शेष प्रकृति पर भी उसका जो प्रभाव जाता है वो भी जाता है। तो एक तो ये है ना, और जब भी हम ऐसा करते हैं है ना कि हम ये सब ये जो दूसरे से भाव पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं अनुकूल संवेदना से करने जा रहे हैं तो इसमें फिर सुख की निरंतरता नहीं हो पाती, तो एक बेचैनी जो अपने भीतर है वो बार बार होती रहती है ना। और भी जो मतलब हम अंदर से जो भाव विचार की ठीक नहीं चल रहे हैं उससे दुखी है ना। तो अभी जो सामान्यता जब हम अंदर से बेचैन है परेशान है तो थोड़ी देर बैठ के टीवी देखने लग जाते हैं, कभी कुछ खाने लग जाते हैं, और जब उस खाने से सुख को ढूंढ रहे हैं तो कितना खाना है बहुत तय नहीं हो पाता कि शरीर की आवश्यकता कितने से पूरी हो जाएगी, तो बहुत अधिक भी खाने लग जाते हैं है ना। बहुत अंदर के विचारों को भाव को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर के सोर्सेस से प्रभाव से जो अपेक्षित संवेदना और भाव मिलना है वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम और बेचैन होते हैं, कई बार सोने ही लग जाते हैं, घंटों सोते ही रहते हैं, कई बार अपने अंदर के डिसहार्मनी को हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं क्योंकि उसको हम बाहर के सोर्सेस से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, भीतर अपने स्वभाव अपने भाव पर ध्यान नहीं है और अपने दुख से परेशान हो रहे हैं बेचैन हो रहे हैं, तो हम अपने दुखों से भी भागने का प्रयास करते हैं।
कि कुछ गुटखा खा लिया, कुछ नशा कर लिया, कुछ शराब पी लिया, जिससे कम से कम अपने अंदर हो रहे डिसहारमोनियस थॉट से, बेचैनी से ध्यान हट जाए। उससे वो डिसहारमोनियस विचार भाव ठीक नहीं होते, बल्कि कुछ समय के लिए हम वहां से पलायन कर जाते हैं, उससे भाग जाते हैं और बार बार ऐसा करते हैं, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगती है और बड़ी दुर्घटनाएं भी घटती हैं। तो एक तरह से देखें तो ये जो ऊपर के ये दो सोर्सेस है, अगर मात्र इसी पर हम सुख की निर्भरता बनाए हुए हैं और इसी के लिए प्रयासरत है, तो धीरे धीरे ये जो ब्लैक कलर में नीचे लिखा है, दुखों से भागने का प्रयास, पलायन, अब धीरे धीरे इसमें फंसने लग जाते हैं और अधिक खाना, अधिक सोना, तमाम तरह के नशे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और दुर्घटना जैसी स्थितियां समाज में दिखाई देने लगती है। तो एक तो ये इसके जो दुष्परिणाम है वो ये है, और इस प्रक्रिया में जीते हुए देखते हैं तो इसी को एनिमल कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। तो कभी तो हम इनको, है ना, बाहर से अनुकूल संवेदना और भाव मिला तो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं और थोड़े ही समय बाद वो डाउन हो जाता है, फिर बेचैनी आ जाती है, तो फिर इधर उधर भागते हैं, कुछ करते हैं, कुछ व्याकुलता, बाहर टीवी देखते हैं, कुछ खाते हैं, फिर कोई बाहर से अनुकूल संवेदना आती है, हम फिर एक्साइटेड फील करने लगते हैं, फिर थोड़े समय बाद वो डिस्चार्ज होता है एक्साइटमेंट, फिर वापस अंदर की बेचैनी तंग करने लगती है क्योंकि भाव विचार ठीक नहीं है, और फिर वापस कुछ खाने में, कुछ घूमने में तो देखेंगे। तो इस शोर से अगर सिर्फ सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ इसी तरह की स्वैपिंग चलती रहती है, इसीलिए इस बात को कह रहे हैं, ये जो एक्साइटमेंट से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, दुखों से भाग कर जो बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों ही सुख नहीं है, ये दोनों ही जो है वो सुख नहीं है। इसी बात को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें तो ये जो जितना नीचे हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अलावा एक तीसरा स्रोत है जिसके बारे में कल से ही बात हो रही है, स्वयं में सही समझ, स्वयं में सही भाव। तो स्वयं में मानव, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व, इन सभी जगह की जो हार्मनी है उसको स्वयं में समझ लेना और अपने में वैसा भाव विचार सुनिश्चित कर लेना, विश्वास से लेकिन प्रेम तक, ये भी हमारे में सुखी होने का एक स्रोत है जिसमें निश्चितता है, निरंतरता है, पूर्णता बिंदु है और ये हम पर ही निर्भर है। तो जैसे जैसे हमारा ये दिखाई देता है कि ये जो लूप है जिसमें हम फंसे हैं, ये लूप कैसे टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, हमारा ध्यान हमारे स्वभाव पे जाए, हमारे भाव पर जाए, और ये जो चार स्तर की व्यवस्था को समझना है वो भी एक सुख का स्रोत है, उस पर जाए, तो हम धीरे धीरे येलो वाला जो पार्ट है उसके तरफ शिफ्ट हो पाते हैं, और जितना हम उधर शिफ्ट हो पाते हैं उतना हम एक्साइटमेंट और जो है दुखों से जो भागने की प्रक्रिया है उससे धीरे धीरे बाहर निकल कर और एक हार्मनी के तरफ गति कर पाते हैं। इसी को कहा मानव चेतना, इसलिए इसको कह रहे हैं कि सही समझ और सही भाव के आधार पर सुख की निरंतरता संभव है। तो हमको अब अपने भीतर ही ऑब्जर्व करना है कि हम ये ब्लैक वाले एरिया में कब ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाइट वाले एरिया में कब ऑपरेट कर रहे हैं, येलो वाले एरिया में कब ऑपरेट कर रहे हैं, अर्थात सही समझ सही भाव से सुखी होने के लिए कब प्रयासरत रह रहे हैं दिन भर में, कुछ अनुकूल संवेदना, दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का कब प्रयास कर रहे हैं, और कब हम अधिक खाकर, अधिक सोकर, कुछ है ना अन्य तरह का ध्यान भटकाने वाले जो नशा है, इस तरह की चीजों को करके दुखों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तीनों में हमारा प्रयास कहाँ ज्यादा है और कहाँ पर निरंतर सुख संभावित है, इसका हम ठीक ढंग से अपने भीतर जांच परख भी करें और दिन भर जो हमारा जीना है उसमें इसको ऑब्जर्व भी करें। इसी बात को यहाँ पर इस ढंग से कंक्लूड कर रहे हैं, ये जो व्हाइट वाला एरिया है जिसमें हम दूसरे से भाव पाकर, बाहर से संवेदना पाकर जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, ये सामायिक है ना, आवेश के स्रोत है, इसी को प्रभाव कहा, जिसको पहले दिन से ही चर्चा कर रहे हैं। सुख प्रभाव नहीं, एक तरह का आदेश है, अगर इन सोर्सेस से हम प्रयास कर रहे हैं।
प्रभाव है, आवेश है, हार्मनी नहीं। येलो एरिया जिसकी बात कर रहे हैं, स्वयं में सही समझ सही भाव से जो सुनिश्चित होने का प्रयास है, इसमें सुख की निरंतरता संभव है। इसका स्रोत हमारे भीतर है, ये हमारे सहज स्वीकृत भाव पर निर्भर करता है, ये हमारा स्वभाव है। इसमें निश्चितता निरंतरता एक निश्चित तृप्ति बिंदु हो सकती है। तो जो पहले दिन से बात शुरू हुई थी उसको हम इस ढंग से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तीन टोटल सोर्सेज हैं, सही समझ सही भाव और संवेदना, जिसमें सही भाव दो भाग में बंटता है, दूसरे से और स्वयं। जो ऊपर वाला स्रोत है उसमें निश्चितता स्थिरता स्थायित्व है, नीचे वाले में एक एक्साइटमेंट जैसा है जो प्रभाव। एक बार जब इतनी बात समझ में आती है तो ये जो असीमित सुविधा संग्रह जुटाने का हमारे ऊपर दबाव है उससे मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि सुविधा का जुड़ाव हमारे समृद्धि है ना, ये हम देख पाते हैं है ना। उससे जो संवेदना पाकर हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, या सुविधा के आधार पर दूसरे से जो भाव पाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे मुक्त होते हैं। तो सुखी होने के लिए सही समझ सही भाव पर काम करते हैं, सुविधा का सदुपयोग शरीर के पोषण संरक्षण और ना सदुपयोग के लिए करते हैं, तो शरीर का पोषण हो सके, संरक्षण हो सके, शरीर का सदुपयोग हो सके, उसके लिए सुविधा का हम उपयोग सदुपयोग है ना ये सब करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब उसको देखने जाएंगे तो एक बार जब ये स्पष्ट हो पाता है कि दूसरे से भाव पाने के अर्थ में सुविधा का को जो लगा रहे थे, संवेदना से ही सुखी होने के लिए जो सुविधा को लगा रहे थे, उसकी जगह स्वयं में सही समझ सही भाव से सुख को सुनिश्चित करना ये एक स्रोत के रूप में दिखता है, तो कितने सुविधा की हमको आवश्यकता है उसका ठीक ठीक हम आकलन कर पाते हैं, सुविधा की आवश्यकता को पहचान पाते हैं, निर्धारण कर पाते हैं, जिस पर लेवल 1 के शिविरों में बहुत सारा चर्चा हुआ ही। एक बार जब हम सुविधा का ठीक ठीक निर्धारण करने में सफल हो पाते हैं तो जो सुविधा हमने चिन्हित की है उसको जुटाने का भी प्रयास कर पाते हैं, और फिर जब दोनों को कर पाते हैं तो हम अपने में समृद्धि के भाव से भी युक्त हो पाते हैं, जिससे अंतत्वगत्वा सुखी होते हैं। समृद्धि के इस भाव पर कल चर्चा करेंगे हम लोग, आज जितनी बात हुई है उस पर हम लोग अगर क्यों नहीं कहा, हैंड रेज है तो दो लोगों के हैंड रेज है, उस पर बात कर लेते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते, आवाज जी बताए। भैया, मेरे दो सवाल है। देखिए कि हर एक व्यक्ति में जो आस्वादन की क्रिया होती है वो अलग अलग है, तो ये अलग अलग जो है आस्वादन की क्रिया हर एक व्यक्ति में होने वाली, तो ये क्यों है या इसका आधार क्या है, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल ये था, जो सुख को हम डिफाइन कर रहे थे वो पीपीटी में, मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, तो मूलतः तो अगर मैं यहाँ समझ रही थी कि मेरी स्थिति ही मेरे सुख का आधार है, तो परिस्थिति, ये जो शब्द हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो परिस्थिति मतलब बाहरी स्थिति, तो बाहरी स्थिति को क्यों हम यहाँ ले रहे हैं, मूलतः तो देखे तो मेरी ही स्थिति पे ऊपर मेरा सुख निर्भर है, तो परिस्थिति क्यों हम ये शब्द यहाँ पे यूज किया है। जी भैया जी, तो अगर बाहर की परिस्थिति से हमारी स्थिति प्रभावित नहीं हो रही है ना, तो अभी देखें तो अभी जीने में हमारी जो है, हमारी अपनी एक स्थिति है और बाहर की परिस्थिति भी है ना? और अभी हम उन दोनों से है ना, एक तरह से वो दोनों जंबल्ड अप होके चल रहा है। धीरे धीरे ये बात ध्यान में आ जाए, ये जो बाहर की परिस्थिति है ना, उससे तो कुछ सूचनाएं आ रही है, उससे जो हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसी से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, जो हमारा भाव है। अगर वो हमारे सही समझ सही भाव के आधार पर बना रहता है तो सुखी बने रहते हैं, और अगर बाहर की परिस्थितियों से प्रभाव से हम सुखी होने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक तरह का झंझट है। लेकिन फिर भी ठीक से देखेंगे तो अगर हमने अपनी स्थिति ठीक भी कर ली है या ठीक नहीं भी की है, दोनों ही केस में हमको बाहर लोगों के साथ तो जीना ही है, इसलिए हमको अपने स्थिति का भी अध्ययन जरूरी है।
और बाहर की परिस्थिति का भी अध्ययन जरूरी है। लेकिन ये बात की सजगता उसमें महत्वपूर्ण है कि बाहर की परिस्थिति में आने वाले इनपुट से हमारी स्थिति प्रभावित ना हो, है ना। लेकिन जीना तो दोनों जगह है ना दीदी, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये जो भाव आस्वादन का जो मामला है, आस्वादन तो आप देखेंगे तो ये बात तो ठीक ही है, किसी को बहुत तीखा पसंद है, किसी को बहुत मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, तो ये आस्वादन में बहुत सारी वैरायटी दिखती है। क्योंकि ये आस्वादन भी देखेंगे तो एक तरह से हमारे मानना पर निर्भर करता है, हमने जिस तरह का मानना बना लिया है कि ये आस्वादन मेरे लिए अच्छा है, वैसा मिलता है तो हम सुखी महसूस करते हैं कुछ क्षण के लिए, नहीं मिलता है तो दुखी महसूस करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक तरह के मानना के ऊपर ही चलता रहता है, मानना बदल लेते हैं, बदल जाता है हमारा, तो अब उस तरह के आस्वादन से हमको सुख नहीं मिलता है। तो चूंकि मानना अलग अलग है लोगों का, इसलिए अलग अलग तरह के आस्वादन से लोग सुखी होते हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। एक्चुअली मुझे मेरा अनुभव भी शेयर करना था, लेकिन अभी ये परिस्थिति का आया है तो पहले ये बोलती हूँ। वैसे तो मैं 9th ऑफलाइन में जो जुड़ी हुई थी, तो अप्रैल जनवरी से अप्रैल तक जो 4 महीने का था, उसमें एक दो बार ज्वाइन भी किया था मैंने। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई, परिस्थिति ये टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं बोल रही कि ऐसा हुआ कि एकदम चारों तरफ से मैंने कोर्स के लिए एडमिशन थी ली थी, तो उसकी एग्जाम की डेट अनाउंस हुई और बुक्स तभी आए जब अनाउंस हुई। तो वो भी करना था, मेरा जो रेगुलर है वो भी करना था, और हमारा टाइमिंग जो है वो उसमें क्रैश हो रहा था। तो मुझे भाई चाहते हुए भी हमारे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, और उसका थोड़ा सा गिल्टी फील भी हो रहा था कि नहीं कर पा रही हूँ। तो सारे काम पे ऊपर वो सारा ये हो रहा था, उसका इम्प्रेशन पड़ रहा था। लेकिन अभी मैं उसमें से एक स्टडी तो मेरी 50% हो गई, तो थोड़ी रिलैक्स हो गई। तब हम जब रिलैक्स माइंड से सब कुछ करते हैं तो थोड़ा सा आरामदायी भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने ऑनलाइन, और वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, नींद भी खुलने लगी है, ज्वाइन भी करने लगी हूँ, और अभी शेयर भी कर रहे हो। तो हमारे मनस्थिति के ऊपर ही बाहर की परिस्थिति भी निर्भर करती है। और इससे रिलेटेड पहला वाला जो अनुभव मैं अभी वो बता रही हूँ कि मैं ये प्रचार प्रसार कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरा अनुभव के बारे में बोल रही हूँ कि मैं भी ब्रह्म कुमारी से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ हम हर संकल्प की चेकिंग करते हैं, तो हमें थॉट्स की चेकिंग तो आ ही रही थी, हम कर भी रहे थे। और उसमें ये है कि हम खुद जो सुख बाहर ढूंढ रहे वो हमारे अंदर ही है, हम बाहर से अपेक्षा करके हम दुखी हो जाते हैं। तो हम अपना सुख की स्थिति में स्थित रह के हर संकल्प करे या कर्म करे तो हमें सुख ही मिलता है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, जो न्यूटन न्यूटन की ये है। तो उसी तरह से तो ये मुझे अनुभव शेयर करना था कि तो संकल्प तो थॉट्स का तो चेंजिंग चल रहा है, सुख का भी जान लिया है, लेकिन कभी हाँ कभी कभार ये हो जाता है कि परिस्थिति आती है तो हलचल में आते हैं, हलचल में आते हैं तो ऐसा कुछ होता जाता है कि फुलफिलनेस नहीं आती और हम असंतुष्ट रहते हैं। तो ये शेयर भी करना था, थैंक यू भाई जी। भैया, मैं आस्वादन को लेकर थोड़ा और समझना चाहता था। हालांकि अभी आपने बता ही दिया पिछले प्रश्न पर कि वो मान्यता पर आधारित अगर आस्वादन है तो उसका कैसे उसको लेते हैं, बस उसी यही प्रश्न था, कुछ तो समाधान मिल गया। ठीक है। जी,